ओम शांति। आज है 30 जुलाई 2022 की साकार मधुर मुरली। आज की मुरली के सार में बाबा ने सच्चा परवाना बनने के लिए स्मृति दिलाई कि इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ। फिर कहा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को सुखधाम में ले जाने के लिए, इसलिए इस क्षमा शिव बाबा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं दौड़ दौड़ कर। फिर बाबा ने प्रीत की रीत समझाते हुए एग्जाम्पल दिया कि कोई कोई ऐसे पतंगे होते हैं जो ज्योति जलती है तो जन्म लेते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। तो बाबा कहे, अब यह तो बड़ी क्षमा शिव बाबा है। बाप कहते हैं, तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। फिर कहा, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। फिर बाबा ने संगम युग का फैशन बताया कि तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो, यहाँ बैठे बैठे परम धाम की सैर करके आते हो, सूक्ष्म वतन की सैर करके आते हो, सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। फिर बाबा ने नशे में रहने के लिए कहा कि तुम्हारी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होंगी उनकी जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं। फिर कहा, तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है, अब आत्मा हीरे जैसा बनती है अर्थात प्योर सोना बनती है 24 कैरेट। फिर बाबा ने मधुबन की महिमा सुनाते हुए कहा कि तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है, यहाँ मधुबन में ही मुरली बजती है, यहाँ तो तुम भट्टी में हो, यह तुम्हारे रहने का हॉस्टल है, कोई गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, यहाँ आपस में ज्ञान की ही चिटचैट करते रहते हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। आज मुरली में प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो, यह संगम युग का ही फैशन है, सूक्ष्म वतन का राज भी अभी खुलता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने, गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा से, जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसी की आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं, जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितनी लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं, तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से, प्रीत क्यों बनी है? बाबा कहते हैं, बाबा से हमारी प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर जाए, है भी बरोबर, बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, यह तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रौ रौ नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ, मैं आया हूँ सुखधाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता, इसलिए इस क्षमा शिव बाबा पर खुशी से परवाने बन जाओ।
परवाने खुशी से आते हैं ना दौड़ दौड़ कर, कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझी तो मर जाते हैं। दीप माला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हर रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं, बत्ती गई और वह मरे। अब यह शिव बाबा तो बड़ी क्षमा है, बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो देह के बंधन हैं यह जीते जी छोड़ो। बाबा फिदा होने का भावार्थ बता रहे हैं कि जीते जी मरना, स्वयं को बाबा के आगे अर्पण करना ही फिदा होना है। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ अपने घर जाती हैं, यह दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब हैं, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो, हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली हैं। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं, सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वह ले कहाँ जाएंगे, खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह समझते हैं कि कृष्ण भगवान उवाच, परंतु है शिव भगवान उवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को देवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना, बल यहाँ मनुष्य पदमपति है, महल माड़िया है, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम IAS बनते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने लिए। कितना ऊंच ते ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी भी रोगी नहीं बनते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती, परंतु किसकी, जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी जीवन किनको मिलती है, जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब हैं। तुम जानते हो यह महल माड़िया आदि सब खत्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं, मालिक थे अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्मों के लिए। सुख तो सबके लिए है, यहाँ कलयुग में तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं, राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे, आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाई, नए संबंध से जुटाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो, तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। बाबा नए संबंध की बात बता रहे हैं कि पुराने से बुद्धि हट करके अब नए से जुटी है, अर्थात सूक्ष्म वतन परम धाम वैकुंठ से हमारा संबंध जुटा हुआ है, तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। यह कैसा अच्छा फैशन हो गया है, अपने ससुर टिकटू अपने ससुर घर जा सकते हैं। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर वैकुंठ जाए, यह ससुर घर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल गरीब हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है, सोने का भारत था, अब नहीं है, जब था उसकी महिमा करते हैं।
अभी तो सोने अर्थात गोल्ड की क्या हालत हो गई है, जेवर आदि सब ले लेते हैं, बिचारे छिपा कर रखते हैं, कहां डाकू न लुट जाए। वहां सतयुग में तो बेशुमार सोना होगा, निशानियां भी लगी हुई हैं, सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं, मणियां आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी, अंग्रेज लोग भी ले गए, निशानियां लगी हुई हैं, तो भारत कितना साहूकार था, अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने, बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था, शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं, है जरा सा फर्क। इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो, कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है, रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है, रात्रि है शिव की, परंतु यह है बेहद की बात, और है भी शिव भगवान वाच, उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है, अब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो, बाप आते ही है बेहद का दिन बनाने, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा कहाँ से आया, गर्भ से तो नहीं निकला, ब्रह्मा के माँ बाप कौन, बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा के माँ बाप कौन, कितनी विचित्र बात है, बाप एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं, माँ ही एडॉप्ट करती हैं, इसलिए गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स से सुनती है, बच्चों को यह याद भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, बाप समझाते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है, बाप ने समझाया है तुम मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है, जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है, तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परमपिता परमात्मा की बनी है। बाबा कह रहे हैं कि ये हीरे तुल्य जन्म क्यों है, क्योंकि हम आत्मा इस शरीर के साथ बाबा के बनते हैं, अब आत्मा हीरे जैसी बनती है अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट, अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा, अर्थात अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, अभी तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है, यहाँ ही मुरली बजती है, भल बाबा कहाँ जाता भी है परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो, यहाँ तो भट्टी में रहते हो, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो, यह तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है, घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं, यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिटचैट करते रहते हैं, एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरे तरफ हो तुम, बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है, आत्मा ही उनको याद करती है, भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी है, सतयुग में भटकते नहीं है, अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया वह चित्र बनाया, गुरुओं का कितना मान है, समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं वैसे यहाँ भी यह गुरु हैं, जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, अभी उनके पास कितने लाखों रुपये आते हैं, मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम है, परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में है, जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे, यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ, अब एक को ही याद करना है, यह तो मनुष्य से देवता बनने की बात है, ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ यह बातें हो कि मनुष्य से देवता बनना है, तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि यह कैसे हो सकता है, फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं कि बात राइट है, बरोबर भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है, हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है, किसको भी बोलो यह तो बाप है, स्वर्ग का रचयिता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो, नरक में क्यों बैठे हो,
अभी तो रावण राज्य है, सतयुग में रावण होता ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, उनको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य करते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो वा कृष्णपुरी कहो, एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है, यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं कहेंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहे बाप शिव को गुम कर दिया है। अब तुम समझते हो, वह है निराकार परम पिता परमात्मा, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे, देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं, तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं सतयुग में, तुम्हारा है देवी धर्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहते हैं, न कि ब्रह्मा परमात्माए नमः कहते हैं। जब इन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? सब परमात्मा के रूप हैं, यह कैसे हो सकता है? यह भी ड्रामा में नोंद है, उनका भी कोई दोष नहीं है, अब उन्हों को रास्ता कैसे बताए? भगत सब भूले हुए हैं, किसम किसम के अथाह रास्ते बताते हैं, अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। अब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं, मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता हूँ, मैं हूँ ही बिंदी, भेंट देखो कैसे करते हैं, कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है, यह कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है, यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं, यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुक नहीं सकता, समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं का पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं, अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना व रुकना नहीं है। आज का स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।